वहां का प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं हमारा साथी है, हमारे भाई ना सुबह का काल उसके चक्कर में है, बीमारी के चक्कर में हम बैठे वाले सोनू भाई बैठा है यहाँ, ये ना सुबह का काल है, अगर वो भाजपा का मित्र है तो हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन चंद्र शेखर है, भाजपा है। भाई साहब ये टेक्निकल चीजें ना सीखो, जब तक नहीं सीखेंगे कुछ नहीं होगा। समस्या क्या है, कल कोई रिश्तेदार के हिसाब से कोई भाई आ जाए बोले यार मेरा मारा पता रख लें भाई, मारा मारा अंदर कुछ नहीं करे, लाठियां लगी ऐसा नहीं है, ऐसा छोड़ लगी केवल सुरेंद्र भाई को दुख है, सबको दुख है, पर अकेले ऐसा नहीं लगी होगी, क्या पता कितने लोग लगी होगी। लेकिन जो दुख यहाँ दिल में रखो, अभी दो तीन महीने बाद छह महीने बाद लोकसभा का चुनाव है, इतना बड़ा गांव है, लाठियों का खेल कर रखियो, अरे करीब लगाइयो तभी अपने औकात पता लगेगी। अरे भाई मैं तो एक बात कह रहा, वहां पुलिस बल इतना ज्यादा भी नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भाई कहते राजौंद वाले अभी जो भी हमारा कहीं ना कहीं फैले रहा, संख्या सुबह हमारी ज्यादा थी, हमें सीधा मूर्ति में जाना चाहिए था उस टाइम, हम दीशो फिर उसने कहा एक घंटा दो घंटे तीन घंटे चार घंटे में उन्होंने पूरा प्रबंध कर लिया था फोर्स का। लेकिन अभी मौका है, अगर आप लोग इस लड़ाई में लड़ना चाहते हैं तो खाली बैठना था नहीं, आप 23 तारीख का देहरादून में प्रोग्राम है, बड़ी पंचायत है, आप लोग तो उसके लिए भी आमंत्रित करते हैं, उसके बाद 4-5 दिन का गैप दो, घर घर चलो, कलह चलो, बाता चलो, राजो बारी राणा कितने गाँव है भाजपा 15-60-70 हजार राजपूत की आबादी है यहाँ, 60-70 हजार राजपूत की आबादी है, तो मतलब 20 हजार को निकाल लो, इसी मूर्ति पर चलेंगे, नहीं अपने उतारेंगे अपने लगाओगे, लेकिन तैयारी करनी पड़ेगी, तैयारी करना कुछ नहीं, और इसमें होना भी कुछ नहीं, छोटा सा मुकदमा होगा, उस मुकदमे में हमारा नाम पहले लिख लो, हमारा लिखवा दियो नाम, वो मुकदमा हम खेलेंगे। और कल भी मैंने से बात बताया, अंबाड़ा पंचकूला यमुनानगर वहां की संख्या बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वहां बहुत सारे चैलेंजी थी, करनाल में बहुत सारे लोग थे, समस्या यह रही जो लोग का यहाँ पे जो धरातल का जो राजपूत था, अगर ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ निकलता तो मैं ये कह रहा हूँ वो पूरी की पूरी तस्वीर उठा गए, उसे ट्रेनिंग में धर के यहाँ जाते, यहाँ ये बहुत बड़ी होली पर अगर आपको भाई देखो अगर दर्द सुरेंद्र भाई का है तो दर्द मोदी का भी है, इन भाइयों का भी है, मेरा भी है, केले किसका दर्द नहीं है, इस मारो सारी रात का हम कुत्ते का भाग रहे थे, इंगे तो होगा उनके तो इंगे, एक डीएसपी का कह रहा बस चल जाओ मेरे हाथों में खाज वाली, उसके बाद नहीं थी डीएसपी कितनी बात कह रही, और उसे पता था जिला अध्यक्ष विधायक मंत्री ये तेरे सिर पर बैठते, तो मेरे भाई को सुधार कर लो और कसम खा लो, मैं यही कह रहा था मत दियो इस बार ना दो, अगली बार जी हार जाएंगे फिर इन्हें पता लग जाएगा क्यों हारे, फिर अगली बार दोबारा सब भाजपा ज्वाइन करके ये कहियो कि कहीं मुंह की लाल करवा दिए, कहीं अगली बार फिर लाल करें, और एक तो मेरी शक्ति है कलयुग संघर्ष शक्ति, और यहाँ वोट का राज है तलवारों का राज नहीं है, आप लोग जो भी तय करेंगे वादा कर रहा सैकड़ों के लिए गए थे, आज से 10 दिन बाद 15 दिन बाद जो भी हरियाणा का राज तय करेगा हजार की संख्या यूपी से जोड़ दियो पूरी तैयारी के साथ, जय मां भवानी जय राज। जी आपने सही कहा, आप हम जो अपनी लड़ाई को टेक्निकल तरीके से ही लड़ेंगे, और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, सबसे बात बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं और समय का भी ध्यान रखना जरूरी है, अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बड़े भाई मोहन सिंह चन्ना लेडी से, वो भी आए और हमारा मार्गदर्शन करें, मोहन सिंह जी नौजवान साथियों, आज मंच पर आने का मौका मिला है, बोलना तो कल नहीं था परंतु कल बोलने का मौका नहीं मिला क्योंकि युवा शक्ति में जोश बहुत था, और कल भी हम अपने आयोजकों को भाई सुरेंद्र राणा, प्रमोद राणा, कुशल कुमार जी, विनोद दंबड़ जी, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपने क्षत्रिय समाज को पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित किया था। साथियों जो शक्ति प्रदर्शन आपने कल दिखाया,
उसके लिए तो आप बधाई के पात्र हो, परंतु शक्ति प्रदर्शन जो आपने किया उसका दुरुपयोग भी किया आपने। साथियों, शक्ति आप में बहुत है, आपकी रगों में क्षत्रियों का खून है। हम जानते हैं कि आपकी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो क्षत्रियों का है और ये बहुत जल्दी उफान भी मार देता है। और जो उफान आपके खून ने मारा उसका खमियाजा समाज को कल भुगतना भी पड़ा। ये तो हमें पता था कि वो मूर्ति का अनावरण भी करेंगे और मूर्ति पर फूलमाला भी चढ़ाएंगे, परंतु अगर हम सही दिशा में अपने नेतृत्व की बात मान के, अपने बड़ों की बात मान के चलते तो शायद आज मूर्ति का अनावरण कैंसिल हो जाता। साथियों, जोश के साथ होश होना बहुत जरूरी है। हम मानते हैं आपके अंदर बहुत बड़ा जोश था, परंतु वो जोश विफल हो गया क्योंकि आपका नेतृत्व आपने किसी का नेतृत्व नहीं समझा, आपने किसी के नीचे काम करना ठीक नहीं समझा और क्षत्रिय समाज की आज जो राजनीतिक दुर्दशा है उसका कारण भी यही है कि हम लोगों के अंदर जो खून है हम नेतृत्व के अंदर रहना पसंद नहीं करते। जिस दिन आप नेतृत्व में रहना पसंद कर जाओगे राजनीति में आपकी पहचान जो आज 36वें पायदान में है, आपकी राजनीति में जो 36